कमलनाथ जी, एनडीटीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी ख़ास है। एनडीटीवी का फर्स्ट रीजनल चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च हो रहा है। फोकस और विजन जो संजय पुगलिया ने बताया, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं उनका कहना है कि ये एक हाइपर लोकल रहेगा, लोकल इश्यूज़ पे बात करेगा और पॉजिटिव इश्यूज़ पे बात करेगा। आपको सबसे पहले बधाई, आज आपका चैनल लॉन्च हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो कर्तव्य है प्रेस का, जो प्रेस का दायित्व है, आप सब इसका पालन करेंगे। अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह जी इसके पहले यहाँ आए थे। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है, आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमलनाथ जी, आपने 5 गारंटी का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अमित शाह जी ने उनका रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया और ये भी कहा कि एक बीमारू राज्य को उन्होंने विकसित राज्य बना दिया है। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, इकोनॉमी के जानकार भी हैं, मेरा सवाल आपसे दो है। अगर राज्य प्रॉस्परस और डेवलप्ड है तो फिर लोग आपको मौका क्यों दें? और दूसरा ये है कि क्या गारंटी के बिना काम हो सकता है? आपने एक सवाल में 3-4 सवाल पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट्स करे हैं। आखिरी 5 महीने चुनाव को देखते हुए अपना पाप धोने के लिए, 18 साल का जो पाप है ये पाप धोने के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट करे। बहनें उन्हें याद आई 18 साल बाद, किसान, हमारे संविदा, हमारे आउटसोर्स, ये सब अनाउंसमेंट्स आपको आखिरी 5 महीने में क्यों करने, क्या आवश्यकता है? अगर आपका कार्यकाल सफल रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक दृष्टि से करा कि एक होता है जीडीपी, एक होता है आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस चीज से प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी? तो हमने जब कहा कि लोगों को राहत मिले, हमारे सोच में चुनाव नहीं था पर यह एक प्रदेश का नक्शा था। अगर हम कहते हैं 500 रुपए सिलेंडर देंगे, मुझे तो खुशी होगी अगर शिवराज सिंह जी हमारे कहने पर इसकी घोषणा कर दें। मुझे ये भी खबर है कि शायद वो करने वाले हैं, मुझे खुशी होगी कि ये जब हमने ये घोषणा करी अब उनको सिलेंडर याद आ गया, उनको माताएं और बहनें याद आ गई। मैं आपकी पार्टी के विदिन के झगड़े की बात करूंगी अब, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, अब वो भाजपा के साथ हैं, इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। भाजपा ने खास तौर पर ग्वालियर रीजन पे फोकस किया है क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर शायद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कितना नुकसान हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर से? अभी हाल में 10-12 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, महापौर का चुनाव, 35 साल बाद कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में चुनाव हुआ मेयर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। ये है हाल। और आम जनता, बहुत परिवर्तन हुआ है मतदाताओं में, हमें ये बात कभी नहीं। जी एक मिनट, आपने बात की कांग्रेस जीती, तो आपका ये कहना है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैक्टर नहीं है ग्वालियर में, वो कांग्रेस के वोटर्स? देखिए, अगर जीती क्या प्रभाव किसका है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एंड में तो बॉटम लाइन जो है कांग्रेस जीती, किसका प्रभाव था किसका नहीं था ये छोड़िए बात। आज मतदाता बहुत होशियार है। आज मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, पर कितना अंतर है राजनीति में। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज का मतदाता सब समझता है। और ये शिवराज सिंह जी की जो राजनीति,
नारियल फोड़ने की सड़क होए पुलिया होए, नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ने निकलते हैं, नारियल टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है। कमलनाथ जी, आप एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, आई एम श्योर यू विल बी ओपन टू द आइडिया ऑफ अ रैपिड फायर। यस एंड नो है, आपका जवाब बस हाँ और ना में होना चाहिए। आप उसमें एडिशन का प्रश्न भी ऐसा हो ना जो हाँ और ना के लायक रहे, कुछ वहां पर यस और नो है तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, हम चाहेंगे जवाब बस हाँ और ना में दें। मेरा पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में ये है, प्रियंका गांधी वाड्रा का मध्य प्रदेश में काफी दौरे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप प्रियंका गांधी के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। यस और नो? यस, मैंने कहा यस। अब वो दिखा दीजिए। हाँ? कार्ड्स है दो। कार्ड क्या है? अच्छा, यस। ये यस है और एक नो है, और ये नो। तो एक बोगस का भी लिख लेते ना जितने आपका क्वेश्चन ही बोगस रहे। सो यू आर सेइंग दैट यू मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद प्रियंका गांधी वाड्रा? यस, सो दैट्स अ क्लियर यस। आपने चिंदवाड़ा को 9 बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है, अब भैया आप 2014 में प्रोटेम स्पीकर भी थे, क्या एक और बार वहां से लड़ने की ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश की बात नहीं है, ये रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न है छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है। और मुझे 40 साल उन्होंने विश्वास दिया है, पीढ़ियों ने विश्वास किया। और एक बात याद रखिएगा, एक आंकड़ा बता दूंगा, मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक जिला और एक लोकसभा जिला है, लोकसभा क्षेत्र है, जहां सब विधायक कांग्रेस के, महापौर कांग्रेस का है। इंडिया अलायंस की बात हो रही है, I.N.I.A.A, इंडिया डिवीजन वाला है, तो उस अलायंस क्या वो अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर पाएंगे चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले? देखिए, आज सबके मन मंशा है एनीबॉडी बट मोदी, डिफरेंसेस तो सॉर्ट आउट हो गए। जब ये स्लोगन उनका हो गया एनीबॉडी बट मोदी, ये एक अलायंस है, सब अपने रीजनल पार्टीज हैं, सबकी अपनी ख्वाहिश है, और मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में सब बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये बात चर्चा में थी, लेकिन साफ तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे ये या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं, क्या गांधी परिवार ने आपको कहा था कि आप चुनाव लड़िए फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट? यस और नो सर? ये कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर ना यस ना नो। ऑल राइट मिस्टर कमलनाथ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।